नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। राजस्थान के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा को लेकर प्रदेश के सभी कानून व्यवस्था को खराब किया जा रहा है। ऐसे में सांप्रदायिक मामलों की CBI जांच होनी चाहिए, यह कहना है हिंदू जागरण मंच का। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग के सहित अन्य बिंदुओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने खोटा काम क्या होता है बताया कि प्रदेश में अशांति और सांप्रदायिक दंगों को कराने वालों का सहयोग कर रही है वर्तमान राजस्थान सरकार, जिसमें सरकार की कानून व्यवस्था चौपट होने से आमजन में डर का माहौल है। इन मामलों की CBI जांच होनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान राज्य में पिछले कुछ माह में जो वातावरण बना है, हिंदू समाज पर सोची समझी योजना के साथ हमारे धार्मिक यात्राओं पर हमला करना, हमारे ऐसे कमज़ोर वर्ग के ऊपर जान से हत्या कर देने जैसी जघन्य अपराध कर समाज में भय का वातावरण फैलाना, औरतों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पर रोकने पर उनको मात्र जान से मारने के लिए चाकू मार देना और समाज में योजनाबद्ध तरीके से हथियारबंद होके लोगों को डराने के लिए जिस तरह से एक वातावरण बनाया जा रहा है और सरकार उनको तुष्टिकरण के तहत उनका जो संरक्षण दे रही है उनके लिए रात को 12 बजे जो न्यायालय खुलवाकर उनको जमानतें दे रही है करवाने में जो सहयोग कर रही है, इसके विरुद्ध में इन सारी घटनाओं को पिछले कुछ महीनों में जो घटी है, भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया की घटना के मुख्य अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उनको संरक्षण देने के लिए उनमें से कुछ खाना पूर्ति करके 3-4 नए लड़कों को लाके उन्होंने गिरफ्तार करके बता रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी सभी घटनाओं में इन्होंने जो लीपापोती की है प्रशासन ने और सरकार ने, उसके विरुद्ध इस पूरी घटना की CBI जांच हम केंद्र सरकार से करवाने के लिए मांग करने के लिए आए हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान जल रहा है उसमें आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति अगर आती है तो इसमें प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। इसीलिए हम आगे आगाह करने आए कि समाज, हम सर्वे भवन्तु सुखिना के सिद्धांत पर जीने वाले लोग हैं और शांति से हम इसका मार्ग चाहते हैं, समाज की सुरक्षा चाहते हैं। समाज की सुरक्षा के लिए हम सब ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे लोग जिनके घरों में इनके पास हथियारबंद लोग हैं, जो अवैध हथियार रखे हुए हैं, इनको चिन्हित करके इनके हथियार जब्त किए जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और आने वाले जो समय समाज की असुरक्षा का वातावरण पैदा किया जा रहा है उनको भी चिन्हित करके पकड़ा जाए। इसी मांग के साथ आज हम हिंदू जागरण मंच उदयपुर महानगर के सभी पदाधिकारी यहाँ यह ज्ञापन के माध्यम से मांग करने के लिए उपस्थित हुए। आपका जी, पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो सरकार हर मुख्य मौके पर विफल हुई है। वो कोई भी करौली ले ले, भरतपुर ले ले, जोधपुर ले ले, वो हर मौके पे विफल हुई है। वो सिर्फ एक तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है जो सरेआम गलत है। वो हिंदू समाज आज उनकी तरफ देख रहा है, अगर वो इस चीज़ को अगर नकारा करेंगे तो आगामी दिनों में इसका जवाब उनको दे दिया जाए। देखिए, जिस प्रकार का अभी राजस्थान में माहौल है उस माहौल को देखते लगता है कि कांग्रेस सरकार पूरी ही एक पक्ष की ओर है और वो यहाँ विकास का काम छोड़कर सिर्फ केंद्र पर ही मुद्दे उठा रही है, केंद्र पर ही प्रश्न उठा रही है। जबकि केंद्र का काम देखा जाए तो राजस्थान की सरकार उसके आसपास भी कहीं पर भी सेट नहीं होती है। मुख्यमंत्री महोदय का सिर्फ एक ही काम है, कभी भी कोई भी मुद्दा हो, राजस्थान जल रहा हो, उन्हें सिर्फ मोदी की चिंता रहती है बस कि मोदी ने ये नहीं कहा, मोदी ने वो नहीं किया। अरे मोदी ने किया नहीं कि आप क्या कर रहे हैं राजस्थान, आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं जो सरेआम गलत है। और अगर वो इस तरह का कहना नहीं मानेंगे और जनता के हिंदू तुष्टिकरण करेंगे तो आगामी चुनाव में उनको इसका जवाब दे दिया जाएगा।